हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट, आपका हमारे इस ऑनलाइन आइडियल क्लासेस परिवार में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज जो स्टैट का भी स्टैट सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। उसके थर्ड लेक्चर में आज हम बात करेंगे न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला। इससे पहले स्टूडेंट, हमने दो लेक्चर इसमें इसका अपलोड कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, और सेकंड लेक्चर में हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड को डिस्कस किया है। अगर आपने हमारे इन दो लेक्चर को वॉच नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन के फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को वॉच करिएगा, तो आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आज बात करते हैं इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन के थर्ड लेक्चर में न्यूटन एडवांसिंग मेथड। न्यूटन एडवांसिंग मेथड बेसिकली कब यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट, एक्स वैल्यू इंक्रीज बाई इक्वल इंटरवल। कहने का मतलब यह है कि न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब गिवन डेटा के एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हो एक इक्वल इंटरवल से। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है एक्स इक्वल टू 5, 10, 20, 30, 40। वाई की वैल्यू दिया है 4, 8, 17, 19, 32। एंड दूसरा एग्जाम्पल है, एक्स की वैल्यू दिया है 5, 10, 15, 20, 25, और वाई दिया गया है 4, 10, 5, 15, 22, 36। अब हम देखते हैं कि एक्स इंक्रीज कितना कर रहा है। तो देखो, एक्स जो है यहाँ पे 5 इंक्रीज कर रहा है, 10 से 20 में 10 इंक्रीज कर रहा है, 20 से 30 में 10 इंक्रीज कर रहा है, 30 से 40 में 10 इंक्रीज कर रहा है, और सेकेंड एग्जाम्पल में 5 से 10 5 इंक्रीज कर रहा है, 10 से 15 भी 5 इंक्रीज कर रहा है, 15 से 20 5 इंक्रीज कर रहा है, 20 से 25 5 इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें देखो इक्वल इंटरवल नहीं है, क्योंकि इसमें देखो इंक्रीज कर रहा है 5, 10, 10, 10, ये तो इक्वल है, बट यहाँ 5 डिफरेंट जो है इंटरवल है। सो यहाँ पे न्यूटन एडवांसिंग फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे 5, 5, 5, 5, मतलब सब में 5, 5 का ही गैप है, एक्स की ऑल वैल्यूज़ में 5 का गैप है, इसलिए हम यहाँ पे न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं सेकेंड कंडीशन का। सेकेंड कंडीशन है स्टूडेंट, आपके सामने सेकेंड कंडीशन दिख रहा होगा, मिसिंग वैल्यूज नीड नॉट बी गिवन इन द सेट ऑफ सीरीज। मतलब न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला में मिसिंग वैल्यू का नीड नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं वाई की वैल्यू मिसिंग है, तो हम न्यूटन एडवांसिंग फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के जरिए आपको और अच्छे से सबसे पहले हम फार्मूले की बात करेंगे स्टूडेंट। आइए हम फार्मूला की बात करेंगे, फार्मूला ऑफ न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला। इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट, y इक्वल टू यूज करते हैं y0 + x (Δ1) + x (x-1)/(2) + x (x-1)/(2) + x (x-2)/(3) (Δ3)/(...). सो ऑन, वेयर x क्या है, वैल्यू ऑफ x टू बी इंटरपोलेटेड माइनस वैल्यू ऑफ x एट ओरिजिन अपॉन द डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग वैल्यूज ऑफ एक्स। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि वैल्यूज ऑफ इंटरपोलेटेड क्या है। सपोज दैट स्टूडेंट, ये है हमारा, आपके सामने दिख रहा होगा एग्जांपल नंबर 2। अगर हमें यहां पे एक्स के 30 की वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू हो गया आपका वैल्यूज ऑफ एक्स टू बी इंटरपोलेटेड। वैल्यूज ऑफ एक्स एट ओरिजिन, ओरिजिन हमेशा उस डेटा का एक्स की फर्स्ट वैल्यू होता है, ये 5। तो यहाँ पे 5 जो है वैल्यू ऑफ एक्स एट ओरिजिन का काम करेगा, और इंटरपोलेटेड जिस एक्स के जिस मान पर हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, जो 30 पे हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, 30 हो जाएगा हमारा इंटरपोलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स।
डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग वैल्यू क्या होता है, एक्स के बीच के हर स्टेप के बीच का गैप जो हमेशा इक्वल होता है, तो 5 यहाँ बात काम करेगा एडजॉइनिंग वैल्यू ऑफ एक्स का, ठीक है। इसे हम दूसरे फॉर्म में भी कह सकते हैं स्टूडेंट, इसका दूसरा फॉर्मूले के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि x का फॉर्मूला होता है xn एन माइनस एक्स जीरो अपॉन एस, जहाँ पर xn होता है वैल्यू ऑफ x टू बी इंटरपोलेटेड, और x जीरो क्या होता है वैल्यू ऑफ x एट ओरिजिन, h होता है डिफरेंस बिटवीन x या डिफरेंस बिटवीन इंटरवल ऑफ x, ठीक है। आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के जरिए हम इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, प्रॉब्लम फर्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो इंटरपोलेट द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन द एज ऑफ 25 ईयर एज वाले का हमें निकालना है वैल्यू, ठीक है, नंबर निकालना, कितने ऐसे पर्सन हैं जो 25 ईयर में लिविंग कर रहे हैं, जबकि हमारे पास डेटा दिया गया है डेटा ऑफ 20 ईयर 30 ईयर 40 ईयर 50 ईयर, और उसका नंबर ऑफ पर्सन दिया है 20 ईयर का 53 30 ईयर का 49 40 ईयर का 36 50 ईयर का 23 दिया गया है। अब इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, आइए स्टूडेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए देखो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट कॉलम में एज लिखते हैं एक्स की वैल्यू, सेकेंड कॉलम में स्टूडेंट हम पर्सन्स जो आपको दिया है वो उसकी वैल्यू लिखेंगे। अब आगे हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 जब तक कि ये डिफरेंस चलेगा। अब हम डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो हमारा पर्सन दिया है उसे वाई से डिनोट करते हैं, इसको हम पहले वाली वैल्यू को वाई जीरो, दूसरे वाली को वाई वन, तीसरे को वाई टू, चौथे को वाई थ्री से डिनोट करेंगे, और इसके आगे होता तो वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स से डिनोट करते। अब डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन वाई वन माइनस वाई टू, तो कहानी मतलब y1 में y0 को माइनस करेंगे, डेल्टा की पहली वैल्यू होता है y1 माइनस y0, तो y1 की वैल्यू है 49, तो 49 माइनस y0 है 53, तो 53, तो 49 में 53 जाएगा तो 4 माइनस 4 बचेगा, तो ये हो गया पहली वैल्यू। दूसरा हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 36 माइनस 49, 36 में 49 जाएगा तो माइनस 13 बचेगा। अगला हो जाएगा y3 माइनस y2, y3 की वैल्यू है 23, 23 माइनस 36 तो हो जाएगा माइनस 13। अब डेल्टा 2 आएंगे, डेल्टा 2 में क्या होगा 13 माइनस 13 माइनस पहली वैल्यू माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 13 प्लस 4 तो माइनस 9 बचेगा। अगले में आएंगे तो दिस माइनस दिस, तो माइनस 13 माइनस ये वाली वैल्यू, इत्तेफाक से भी माइनस 13 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 13 से प्लस 13 कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। अगले में ये वाली वैल्यू माइनस ऑफ ये वाली वैल्यू, तो जीरो माइनस माइनस 9, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो जीरो प्लस 9 इक्वल टू 9 हो जाएगा। और हम स्टूडेंट स्केल से फर्स्ट वाली नंबर को लेकर के एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये अबव जो वैल्यूज हैं वही हमारा यूज होगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 के लिए, इसमें फार्मूले में। फार्मूला लगाने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने का फार्मूला है एक्स एन माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। एक्स एन होता है जिस पे हमें इंटरपोलेटेड वैल्यू होता है, जिस पे हमें वैल्यू निकालना होता है 25 ईयर पे निकालना है, तो 25 हो गया। माइनस एक्स जीरो होता है ओरिजिन ऑफ गिवन डेटा, ओरिजिन ऑफ गिवन डेटा ए जो है 20 दिया गया है स्टूडेंट, कैसे पता लगा हमें ये जो 20 है, दिस इज द ओरिजिन, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 20 ओरिजिन हो गया, और डिफरेंस x के बीच में आपस में डिफरेंस 10 का है तो डिवाइड बाय 10, क्योंकि h होता है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ x, तो 25 में से 20 जाएगा 5 बचेगा, 5.10, 5 सी से कट करेंगे, 5 1 5 5 2 10 तो आ गया 1/2। अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूले को, तो देन द न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला इक्वल टू होता है वाई एक्स इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स डेल्टा वन प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू डेल्टा टू प्लस एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू डेल्टा थ्री प्लस डैश डैश। अब डेल्टा वन की वैल्यू, डेल्टा वन की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, पहले वाई जीरो, वाई जीरो की वैल्यू है स्टूडेंट क्या है 53, और डेल्टा वन की वैल्यू है माइनस 4, डेल्टा टू की वैल्यू है माइनस 9, डेल्टा थ्री की वैल्यू है 9, ये हम फार्मूले में रखेंगे। आइए फार्मूले में रखते हैं, तो फॉर्मूला रखेंगे स्टूडेंट,
ये हो जाएगा y0 मतलब 53 प्लस x की वैल्यू है 1/2, अभी हमने निकाला था x की वैल्यू 1/2 इंटू डेल्टा 1 की वैल्यू है -4 प्लस x माइनस 1, तो हाफ ब्रैकेट में हाफ माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा 2 की वैल्यू -9 है, 9 लिख दिया टेबल के में दिया गया है, प्लस x माइनस 1 x माइनस 2, x की जगह रखेंगे हाफ, तो हाफ पहले ब्रैकेट में हाफ माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में हाफ माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा 3 की वैल्यू है 9। आगे इसे सॉल्व करते हैं, 53 अभी कॉपी कर लेंगे। अब देखो 2 को जब कट करेंगे 4 से, 2 2 4, तो -2 आ जाएगा प्लस हाफ 1/2, और हाफ में से -1 जाएगा तो -1/2 बचेगा, और -9 यहाँ लिख दिया अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू। आप जानते हैं जब हम फैक्टोरियल 2 को एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है 2 × 1, और इसकी वैल्यू क्या हो गया 2, यहाँ लिख दिया 2 प्लस, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो हाफ, हाफ में से -1 जाएगा तो -1/2, और हाफ में से -2 माइनस करेंगे तो -3/2 आ जाएगा, और ये 9 यहाँ लिख दिया, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होता है स्टूडेंट 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 = 6 होता है, यहाँ लिख दिया 6। ठीक है, अब देखो इसे कट करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, तो यहाँ क्या बच रहा है स्टूडेंट 53 माइनस यहाँ का 2, और देखो माइनस माइनस प्लस 9, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, माइनस माइनस प्लस, और देखो ऊपर के न्यूमरेटर में सिर्फ 9 है, तो 9 अपॉन 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 53 कॉपी कर लिए, -2 कॉपी कर लिए, 9 में 8 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, जब हम 9 में 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया स्टूडेंट 1.125, लिख दिया हमने 1.125। अब 9 में 16 से डिवाइड करेंगे, 9 / 16 तो आ जाएगा 0.562625, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0.5625। और देखो ये पॉजिटिव वाला सारा तीनों डिजिट, ये डिजिट ये डिजिट ये ऐड करके -2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो ये देखिए अब, तो 52 प्लस 1.125 प्लस 0.5625 ऐड किया, आ गया 53 प्लस 1.125 प्लस 0.5625 ऐड करेंगे तो 54.6872 आ गया, माइनस करेंगे 2 को तो ये आ गया 52.6875, यहाँ लिख दिया हमने 52.6875, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, फाइनल आंसर हो गया। अब एक आपको होमवर्क देंगे जिसे आपको करना है, आइए होमवर्क पे आते हैं, ये होमवर्क है, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसमें है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, एज 12 ईयर वाले की वैल्यू फाइंड करना, सेम जैसे अभी मैं प्रॉब्लम फर्स्ट करा है वैसे ही आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट, और एक कुछ को आपको होमवर्क दे रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 का होमवर्क है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, उसमें हमने होमवर्क देना भूल गए थे, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तीनों क्वेश्चन को बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो हमारे YouTube पे जा करके प्लेलिस्ट में जा करके इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन के सेकंड लेक्चर जिसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड को हमने डिस्कस किया है उसे वॉच करिएगा, वो उसे वॉच करने के बाद ये आप जो है होमवर्क 3 प्रॉब्लम बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ मेथड से करना है और करके कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस किया इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन के थर्ड लेक्चर में न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कमेंट बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।